हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो ब्लॉग की ओपनिंग काफ़ी लेट कर रहा हूँ मैं आज, और बस अभी जा रहा हूँ मैं बैंक एक काम से, और पीछे बिल्डिंग का काम चल तो बहुत अवल है। बैंक जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे बैंक में, बैंक जाके वापसी में आते आते अंडे और टमाटर ये सब लेना है, क्योंकि शिरिन बना रही है दाल और भुर्जी, तो जाकर फटाफट से अभी सामान वगैरह लेकर आता हूँ और बस घर आकर आपसे मिलता हूँ। सो बने रहिए वीडियो में, मिलता आपसे थोड़े टाइम बाद। गाइस ये देखो घर में आके बैठ गई है, हाँ, और जाने तैयार नहीं इसकी। अभी दोनों बहन लोग भी आए थे लेने उसको, तो जा रही नहीं। ए जा तुझे घर ही जा। ऊ कुटे ऊ कर ऊ कर बाढ़ कुटे बाढ़। देखो ये जाएगी। ए बिस्मिल्लाह बोलो, जा बिस्मिल्लाह बोलो। लेट गई है। आई इसकी बहन आई लेने नहीं जा रही। उड़ी मारो। ए आई चल ली। गाइस बैंक का काम पटा के सामान लेकर मैं आ चुका, अभी जाता हूँ घर और घर पहुँच कर आपसे मिलता हूँ, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस मैं अभी खड़ी हूँ खाना बनाने के लिए, और मैंने दाल बना रही हूँ आज मैं, और दाल भुर्जी, तो मैं फटाफट अभी दाल रखी हूँ। तो यहाँ पर मैंने कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची दो काट के ले लिए, कोथमीर, कड़ी पत्ता, लहसुन को कूट के ले लिया है, और मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ सब एक साथ। और कोथमीर भी मैंने डाली है, कड़ी पत्ता भी मैंने अभी डाला, बगार में भी डालूंगी, बट पहले थोड़ा ऐसे ये कहाँ दिखा रही हूँ मैं, ये डाल दिया मैंने जीरा, और ये डाल दी मैंने थोड़ी सी राई। कहे अब गाने की आवाज कम करोगे, ठीक है। क्या देख, अरे दाल भी बताएगी क्या, लोगों को तो आती है दाल बनाने, अब बता दे रही तो क्या जा रहा है। अब उसमें भी तकलीफ हुई कि हल्दी कितनी डाल रही, ये कितना कर रही, वो कितना कर रही, बोले मुझे नहीं आता खाना बनाना, इसके लिए पूरे फ्लोर पे खुशबू आती है ना खाने की। किधर आती? फ्लोर पे। अच्छा। फुलौरी है ना, मैं फुलौर की भाजी तो बना इसी बात पे खाते हो। और कैफ के बाहर जाने से पहले मैं कैफ को मेरा हाथ का खाना भरपेट खिलाना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव माई शोहर अलॉर्ड्स अलॉर्ड्स एंड अलॉर्ड्स। जी हाँ गाइस, मेरे शोहर जा रहे हैं। ओ लॉर्ड हैव मर्सी। सभी मैंने घी भी डाली है, ठीक है, अभी मैं लगा रही हूँ इसको। जो कुछ ढक्कनों का काम करता है वो ये ढक्कन, तो ढक्कन लगा दिया अभी मैंने। फटाफट मैं भुर्जी भी बना देती हूँ खड़े खड़े, तो मैं आपको बाद में मिलती, पहले सब काट पा दिया। सुबह जब मैंने भुर्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, थोड़ा कर दिया सीरा, कड़ी पत्ता भी डालते कुछ कुछ, प्रॉपर में डालेंगे इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कैफ नहीं खाते हैं, इसके लिए मैं चीनी डाल दी, वो भी छोटी छोटी सी है। क्या हो मेरे को नहीं आ रही, तुमको तो सब कहीं नहीं। बारीक कटा हुआ कांदा डालिएगा, और गाइस मेरी दाल भी हो चुकी है, बस इसको भी बगाड़ देना है, मेरा खाना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया।
खड़ेगा खाना बनाने की कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट खड़े खड़े बना देते, मैं आदमी में बना लेता हूं। ऐसा है ना कि शेरिन के मूड में होना चाहिए, मेरा आदमी के मूड में होना चाहिए मेरा रात का खाना खाना। भाई देखो काम ज्यादा नहीं हो इसके लिए मैं देखो बोलता हूँ कांदा ना ज्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब इसका जो कच्चापन होता ना वो बस निकल जाए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए। और अभी इसमें डाल रही हूँ टमाटर फ्रेशली चॉप्ड। सो गाइज आज हम बता देंगे कि जैनब दीदी का क्या सीन था, क्योंकि शिरीन बहुत दिन हो गया अपन ने बताया नहीं ये चीज़। तो मैंने तुमको बोली थी बताने, तुमने बताया नहीं था। तो साथ में बैठ के बताएंगे ना सही से। तो आज वो चीज़ हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो थोड़े टाइम बाद आपको इंशाल्लाह वो चीज़ पता चल जाएगी कि मेन रीज़न क्या था हॉस्पिटलाइज करने का, क्या चीज़ थी, क्या तकलीफ थी सब। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, मेरे पास है ना मैगी मसाला नहीं है, तो मैगी मसाला भी डालते हैं बट टेस्ट के लिए। हाँ टेस्ट के लिए, बट मैं प्रेफर नहीं करती मैगी मसाला क्योंकि हम नहीं चिल्लाते हैं। और हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, एकदम चटकीदार चटकीदार। और भुर्जी में जितना कांदा टमाटर हो ना गाइस उतना अच्छा टेस्ट लगता है। टमाटर मैंने एक चीज नहीं डाला, बताओ क्या? नमक। मेरा नमक है ना गाइस, आई मीन घर का जो नमक है ना बहुत ज्यादा खा रहा है, तो मुझे ना इसका ना थोड़ा डर लगता है नमक डालने में। थोड़ा भी मीडियम आंच पे मैं रख दूंगी, अच्छे से टमाटर सब गले। मैं इसमें अभी कोथमीर भी अभी डाल रही हूँ ताकि और टेस्ट अच्छा है। गाइस मैं खाना बनाना आता नहीं है, बस ऐसी जजमेंट से कुछ ना कुछ करके मैं बना देती हूँ, मैं आदमी को खिला देती हूँ। क्या आदमी खाता है कि नहीं खाता? आदमी नहीं खाते गाइस मेरा आज का खाना, उसको पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि मुझे ना सिर्फ बाहर का खाना और बाहर की चीज़ें पसंद है, उनको बाहर गाँव की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ना मम्मा, पसंद है ना? काम कर ले अभी चुपचाप। तो इसमें अच्छी सी खुशबू आएगी गाइस, क्या आएगी खुशबू अभी चालू। मैंने यहाँ पर अंडा फ्रिज के भी रख दिया, प्लीज इग्नोर कर, मैं बर्तन है तो बर्तन बच हो गया। अभी थोड़ा सा ढक करके बाद में अंडा डालने के बाद आपको बुला लेंगे। तो गाइस अच्छे से तेल भी छोड़ चुका है मसाले ने, अभी हम डाल देंगे इसमें अंडा अंडा हवाई। बस अभी इसको फेरते जाओ फेर। कितने टाइम तक फेरना है? अभी एक दो मिनट। अभी ये तुम करोगे, मैं नहीं करते खड़ रहा। ये होते हैं आम जिंदगी। अब इनको बोल दूंगी ये काम करो तो ये मेरा काम नहीं होगी, बता दूंगी मैं आदमी को। सब आता है इस मामले में, आदमी को दाल चावल और मामा क्या बोले तुमने और क्या बोले बोलो ना। ये क्या कर रहा हो? कर ही रहा हूँ ना। नहीं और क्या आता है तुमको? दाल चावल। अर्जुन काय आते तुम्हारा? अर्जुन काय ये तुम्हारा
तुम्हाला पण मनात येईल नाही पास भी है शोक शोक कमेंट आ रहा था कि केफ को बोलो बलोची में बात इसकी बलोची मत सुनिएगा कोई अच्छा होगा वरना मात पास और मात कोस हो जाएगा कुछ नहीं बस ये बलोची में ना कुछ नहीं बोलते तूने लाला जुड़े बशे और क्या बोरो बोरो शिकी शंभो क्या बाज मार ऐदा बे आ ऐदा बे आ बाज मार बोरो वास्तु ये सब मैं समझती हूँ बचे शीर घर में आप तो इतना समझ चुकी हूँ कि क्या पता इतनी घर में आप हो चुकी है मेरे साथ अरे लग रहा है नीचे तो एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से चम्मच हिला रहा हूँ चम्मच हिलाना इतनी देर तक बताएगा ले हो गया चल छोड़ दू ना और हिलाने का अरे क्या अभी बना दिया और हड़िया हड़िया कर रही है खुश हो गया खुश हो गया पावर आ गया आदमी का मस्त मजा आएगी जली जली लगेगी ना और थोड़ा तेल डालने का था ना ये ले चला आजा अभी ये लो कूलर की हवा खाने चले गई है लड़की आएगी तो हड़े जाता हूँ चलो ठीक है गाइस यहाँ पे ये भुर्जी भी ऑलमोस्ट हो गई है और रही बात दाल की तो शिरन को अभी बस दाल में देना है तड़का पहले अच्छे से दाल उबल हाँ एक बार उबाल लेके तड़का दे देगी फिर उसके बाद जब सब रेडी हो जाएगा तब मैं आपको मिलता हूँ तो तब तक के लिए थोड़ा बने रहिए वीडियो में थोड़ा बने हाँ और यहाँ भुर्जी हो ही गई है रेडी दाल खाली उबाल लेके तड़का देना फिर उसके बाद जब खाना खाने बैठेंगे तो मैं आपसे मिलता हूँ उबाल लेके तो ये थी गाइस आज की छोटी मोटी रेसिपी प्लीज कमेंट करके आप लोग खुश हो कि नहीं हो कि मैं घर में खाना बना रही हूँ जी गाइस और कह रही थी रेसिपी बहुत सारे लोगों ने भेजे है कमेंट सेक्शन में पर है ना गाइस मुझे बस ये पूछना था यही बोलना था कि मेरे को ना अपना क्या नाम है थोड़ी इजी और एकदम झटपट वाली रेसिपी चाहिए मेरे को इतना बड़ा बड़ा हुआ ऐसी कोई आई है मैं इंशाल्लाह इसको निकाल कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट्स में से ठीक है तो आप लोग बने रहिए वीडियो में मिलता आपसे सो गाइस राई का तेल मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं गिराते हुए उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा लहसुन 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 कड़ी पत्ता कांदा ऑनियन एंड खड़ी मिर्च गिंग जो कि मेरे को मालूम नहीं क्यों डाला जाता है डाइजेशन जो सुबह तुम करते थोड़ा सा हींग ऑप्शनल आपको डालना तो आप डाल सकते नहीं डालना तो नहीं डाल सकते इट्स योर चॉइस नॉट माइन गाइस फास्ट हो कर अभी चर करके उड़ेगा और हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है क्या आग लगा ये क्या हुआ चाइनीज बना रही है क्या हो गई चलो दाल भुर्जी भी रेडी है बस अभी ये सब हट जाए फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे तो आपसे हम लोग मिलते हैं थोड़े टाइम बाद ये आदमी एक बार पॉज करो गाइस देखो अभी सब खाना वाना रख दिए हाँ ये आदमी को मैंने बोली कि खुद पूछे कि जानते को अचार चाहिए क्या मैंने बोली हाँ चाहिए तो देखो क्या लेके आए फ्रिज में से ना होशियार आदमी है बहुत होशियार आदमी अभी हम क्राइम पेट्रोल लगाए और मस्त से बैठे यहाँ पर हमें छिंचर गार्लिक पेस्ट के लेके बैठा है आदमी बताओ
सो गाइस इसी में से पता नहीं पानी आ रहा था जैसे उस दिन मैंने बताया था, और अभी भी आ ही रहा, अभी तो ऐसा आ रहा जैसे कि लोनाव लग के झरने वाटरफॉल्स हो रही है। और गाइस अभी बस अभी भाई आए हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, सबकी जान दिलों की जान आन बान शान कैफ खान कैसा देख रहे हैं, क्यों तुम्हारा सरनेम मैं ले सकती, मेरे सरनेम तुम नहीं ले सकते, तुमने कब ली मेरा सरनेम अभी तक, ठीक है 4 साल हो गया शादी को, अभी आज भी तो खानी चाहिए, तो दीपिका पादुकोण भी तो कौन ही है ना, कौन नहीं है, मेहंदी है उधर क्या होता है और मैं जा रही हूँ अम्मी के यहाँ पर, भाग रही हूँ मैं फटाफट, जो सामने दिखा वो पहली सब आ रहा था पहन के भाग रही हूँ, क्योंकि अम्मी का फोन आया था, मैंने अम्मी का फोन कट कर दी कि अम्मी को लगा कि मैं निकल चुकी हूँ, तो फटाफट अभी अम्मी के यहाँ पहुंचती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ, बहुत गाली सुनने वाली हूँ। फॉर्च्यूनर 18 लाख की है और क्रेटा भी 18 लाख की। अरे बाप रे, तू देगा मेरे को 18 लाख? कार देगा नहीं, गाड़ी में बड़ा ले लो। अरे बाप रे, तो ये बनाई हुक्का है। अच्छा मामा अकेले रे तो पतु पति मौका मिले कदी पतु कदी अज दिन अजदा अजदा हां सो गाइस मैं भी रेडी हो गया हूँ और शिरीन ऑलरेडी अम्मी के वहाँ पहुँच चुकी है, तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ अम्मी की बिल्डिंग में, वहाँ पहुँचकर आपसे मिलता हूँ, सो बने रहिए वीडियो में, मिलता हूँ। सो गाइस अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि कैब आ चुके हैं और जा रही हूँ मैं बांद्रा, मेरी हालत देख सकते हो क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, और फिर से मेरे को हो चुका है पेट का दर्द, और मैं आज जाने वाले थे डॉक्टर के पास, फिर मैंने बोला कि नहीं चलो नॉर्मल लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं, बट मेरे को फिर से हल्का 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 दर्द होने लगा, जो घर में पेट दर्द की मेरी फिलहाल तो दवा है जो मुझे सूट होती है मैं वही खाऊंगी, तो पहले मैं जा रही हूँ बांद्रा, वहाँ जाती हूँ, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग गए भी नहीं थे, ये घर वर की चीज़ों में बिजी थे इसीलिए, तो अभी अम्मी ने थोड़ा बहुत सामान लिए है मेरे सास के लिए, तो लेके जा रही हूँ मैं, तो वहाँ जाती हूँ फिर आप सीधा वहीं मिलती हूँ। गाइस ये देखो मेरी ट्रक जा रही डिस्को वाली, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट बांद्रा पहुँच चुके हैं, और अभी हम लोग का कनेक्टर हो जाता था क्योंकि मैं कनेक्टर दिखा रही थी, और मैं शूट इसलिए करी क्योंकि कोई मुझे सुको थाई का पैकेज दे दो यार, प्लीज दे दो दे दो मुझे सुको थाई का, सुको थाई सो दिखा। सो गाइस हम लोग यहाँ से जा रहे थे टाइम के बाद, वो मेरे कैब को इतना फोर्स करी तो ये लेके जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कैब ना चाहते कि मैं उनकी बच्ची बिगड़ूँ ना, यहाँ पर आसी के खड़ते में इसके साथ कोई भी नहीं है यार, जब सब सूखा सूखा है, इलेक्शंस का टाइम है ना, हाँ डंडे ज़्यादा पड़े मारो मारो इधर, वाह बहुत सुकून लगता है, इसके लिए हर कोई यहीं आता है, आई हैं खुशी 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 मेरा बेटा रहता था इतना खुश होता था समझा नहीं, 10 लीटर उसका खून बढ़ जाता था, शायद इधर लाइन से खड़ी है, हाँ तो आप लोग को दिखाती हूँ, मेरा बेटे को दिखाऊंगी ना, मेरे बेटे का 10 लीटर खून बढ़ जाएगा, ये देखो ओ, ओ, ओ यार एक कुछ दे दो मेरे को, जानू बोल दे यार देने किसी को, अल्लाह मेरी नस अल्लाह प्लीज़ आप लोग दुआ करना गाइस कि मेरी नसीब में एक वाइट कलर की हायाबुसा बैलू और एक ब्लैक कलर की कैब, और हम लोग दोनों जन हाउस एंड वाइफ गोल्स करें, हाउस एंड वाइफ, और उसमें फिर तू पटेली करके खींच जाएगी, हाँ है ना, यस तो बाइक लिया हमने तो पैसा हमारा जा रहा है ना, थोड़े मोड़े कुछ भी करिए, ये देखो जीजू हाय,
मुझे लगा हायाबुसा ले लो गा रहे मेरे को गिफ्ट करने के लिए, पर ये तो आसिक है। ये मेरी कार, ये देखो ड्राइवर कैंपर भी लेके आता था। ये देखो पापा की परी, अभी क्या बोलते क्या कर रहे। अभी लोग तीन चीज से बचे, एक तो एक आगे वाली गाड़ी से, फिर ऑटो वाले से, फिर ये गाड़ी से, बताओ। नहीं तो अभी ये लोग दोनों जन उड़ जाती है, पीछे वाली तो रोने चालू कर दी। हाँ नहीं तो दोनों जन उड़ जाती थी अभी, और वो जो बिचारी रोना चालू कर दिया, कैब भी कर रही है, बोल रहा क्या कर रही है तो कैब को सॉरी बोल रही है। ये स्लो हुआ और ये लोग को बोलना वाला था शायद कुछ। हाँ ये वाइट गाड़ी वाला क्या, ये भी टच करता था क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना कैब, इलेक्ट्रिक को मालूम है जल्दी ब्रेक फटाक से नहीं पकड़ती है। गाइस ने फोन लेके आई ना तो अभी सबको दी, देखो गुगड़ू गुगड़ू कैमरे से बारे में मालूम है उसको गुड्डू छानी। सो गाइज अभी हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, और हम लोग दोनों मियाँ बीवी आज दस्तर के बाहर है, क्योंकि यहाँ अगर दस्तर पे बैठ गएंगे तो अरैना को जगह नहीं होगी, तो हम लोग थोड़ा आज यहाँ पे हो गए। और बहुत सालों बाद हम एक प्लेट में खा रहे, माय गॉड। और यहाँ दीदी बैठी है, हाँ खींच ली। और यहाँ दीदी बैठी है आज खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबको, यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं, एनिवर्सरी की छोटी मोटी पार्टी दे रही है दीदी हमें। और यहाँ सैफ बैठ के देखो मांडी डाल के खा रहा है मस्त में। और यहाँ महिमा बैठी है वहाँ, जू बूबी बूबी इधर इधर। तो गाइस रात के बच चुके हैं दो और फाइनली निकल चुके हैं हम लोग घर के लिए, थोड़ा बैठ गए थे कि बात करते हुए, दो चार दिन के बाद हमारा आना हुआ यहाँ पर, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया निकलते हुए। और आए भी हम लोग लेट ही थे, कुछ 11 के आसपास आए थे हम लोग, तो इसलिए बैठ के फिर खाना वाना खाए, फिर बात करते करते टाइम निकल गया। बस निकल चुके घर के लिए, तो घर पहुँचते हो फिर मिलते हैं हम लोगों से। तो मेरे से जितनी हड्डी होती है जमा करके लाई, देखो अभी लड़ाई हो रही है, इसके लिए मैं ना जितना हो सका मेरे से उतनी मैंने जमा कर ली है। सुनने वाले मेरे, कल ला के देती, बोलती चिकन ला के देने, हट मेरा वाइट कपड़ा है, कल चिकन ला के देने बोलती। हाँ ठीक है ठीक है, जा जा कल चिकन ला के देने बोलती, ठीक है जाओ। टकले ने पर ज्यादा खाया क्योंकि बहुत खुश हो गया था, ये इसको बेचारे को कुछ मिला नहीं ज्यादा, पर मार भी खाया है। तो वैसे भी कैफ के लिए खाना निकाल दी क्योंकि उनको अचानक से लग गई भूख, तो मैंने फटाफट खाना गर्म कर ली और निकाल ली। और अभी अंदर बेडरूम में वो उनकी चड्डा धुन रहे हैं, शॉर्ट्स धुन रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा, टेंशन में आ गया आदमी। ये कार रख दिया मैंने तो उनका चड्डा मिल जाए और वो खाना खा ले, फिर देखते जाग ले देखो। अरे मार दिया जाको इधर, देखो चुप के देख रहा है क्योंकि वो चड्डा नहीं मिल रहा है मेरे आदमी का, भी जाके मैं इस धुलती हूँ। सो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ी बियर्ड इसलिए लग रही रहूँगी क्योंकि मेरे बाल को अभी मैंने किया है ब्रश, और डालूंगी मैं तेल, ठंडा ठंडा तेल, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से तेल नहीं डाला है सर में, तो मैं तेल डाल के सो जाऊंगी। और बाल ऐसे इसलिए लग रहे क्योंकि मैं बाल में कैरेटीन प्रोटीन फलाना ढमकाना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे बाल को एज इट इज़ मैंने छोड़ दिया है। और आप देख सकते हो ये देखो मेरे बाल एक्चुअल में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पहले के पहले के बाल कर्ली थे ना, तो मेरी जब ग्रोथ आ रही है तो वो पूरी कर्ली होते जा रही है, तो उस वजह से मेरे बाल वैसे हो रहे और लेंथ में शॉर्ट भी दिखने लग गए है ना गाइस। तो मेरे को कैफ नहीं करने दे रहे हैं बाल स्ट्रेट, तो गाइस कमेंट करना कि मैं बाल स्ट्रेट करूं या नहीं करूं। नहीं पर अच्छा है कि मैं नहीं करती हूं ना, तो कम से कम मेरे बालों में ना वॉल्यूम लगती है गाइस, और मैं स्ट्रेट कर देती हूं ना तो ऐसा लगता है कि पूरा
खाचा खाचा ऐसा लगता है टकली हो गई हूँ मैं, और उस वजह से मेरे बाल काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। अगर जो कोई भी सोच रहा है उनके जो नेचुरल हेयर है, कर्ली हेयर्स या जो भी फ्रीजी है, जो भी फलाना डमका है, फ्रीजी है तो थोड़ा ऐसा कुछ हल्का फुल्का प्रोटीन वोटीन करवा लेना, हाँ कर्ली है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ बालों को डैमेज मत करो ये स्ट्रेटनिंग करके ये सब करके, क्योंकि इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं गाइस। क्योंकि मेरे भी बाल काफ़ी हद तक डैमेज हुए और हद तक के पूरी डैमेज हो गए मेरे, तो मैं तो पूरी टकली हो गई और मेरे बाल बहुत ज़्यादा चले गए मेरे को। कसम से हम सब लोग चिल्लाते कि शिरीन तूने क्यों करी क्यों करी, क्योंकि मेरे बाल इतने पसंद थे सबको, और बोलते ना एक गलती हमेशा एक सीख दे के चली जाती है, कोई ना कोई गलती हमेशा एक सीख दे के चली जाती है, तो मुझे भी एक सीख पराठा दे के चली गई एक गलती। और कोई ना गाइस बस यही खत्म होता आज का हमारा दिन, ज़्यादा कुछ था नहीं आज के ब्लॉग में क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी झटपट झटपट वाला चीज़ें होने लगी, और वही घर में खाना बना। और गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को कि मैं घर में खाना वाना बना रही हूँ? बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार घर में खाना बनाती नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो अभी मैं घर में खाना बनाने लगी हूँ। और रही बात मेरे ससुराल में इसलिए खाई क्योंकि दीदी ने मेरे को बहुत चिल्लाया है, अरे तो ठीक है ना खा ली, नहीं नहीं, नहीं बोलता है ना फिर हमें लोग बोलेंगे कि देख वहाँ पर भी खाना खा के यहाँ पर भी, तो दीदी ने बहुत चिल्लाया था कि खाना नहीं खा रही है, तुम लोग नहीं खाते हो ये वो, तो दीदी बोले अगर तुम लोग अभी भी नहीं खाएंगे तो देख लेना ये वो, मेरे से बात नहीं करना नहीं करना, तो फिर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा खा लिए। सबसे पहले मैं ही बैठी, मैंने बोली बैठ जाओ क्या, नहीं तो दीदी नाराज होंगी, क्योंकि दीदी हकीकत में नाराज हो चुके थे इस वजह से, तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा वहीं खा लिया। फिर उसके अंदर मेरा तो पेट भर गया, मेरा कैसा ना मैं थोड़ा एक टाइम भी खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाता है ऐसा, तो मेरी पीठ नहीं खाई तो बस गाइस। और हाँ तुमने बोले थे कुछ बताने के लिए, बता क्या हुआ था वो तो बता। सो गाइस मैं बता देती हूँ ज़ैनब को क्या हुआ था एग्जैक्टली, मैंने पहले भी अपुन ने बताया ना, नहीं अरे क्या यार अभी तो बीच में तुमने बताए थे गले में उसके टॉन्सिल हुआ था, कब बताया जन बताया यार अपन ने। सो गाइस मैं बता देती हूँ फिर से एक और बार कि ज़ैनब के ना गले में टॉन्सिल की गांठ हो गई थी, क्योंकि उसको ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें नहीं जमती है, तो वो एक दो दिन से क्या करी उसने, मतलब लाइक इन कुछ दिनों में रमज़ान में भी उसे ठंडा ठंडा पीने लग गई, फिर उसके बाद में आइसक्रीम हो गई, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा, फिर मैं वो कैसा ना रमज़ान में ना ऐसा होता था कि सहरी में कुछ नहीं खा के फिर बाद में इफ्तार में हम लोग खा लेते थे तो डाइजेस्ट हो नहीं पाता था, तो लिमका पी लिया, जूस पी लिया, कोई भी ठंडा जूस पी लेती थी, फिर उसके बाद में रूह अफ़ज़ा भी ठंडा करके पीते, तो उसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं जमता, सेम लाइक समदानी, समदानी को भी ठंडा नहीं जमता, उसी का बेटा क्या कर सकते, दोनों माँ बेटे एकदम सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं, दोनों के दोनों बहुत नाजुक है। और उसको हुआ था गार्ड और उसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उसका तो छोटा सा एक माइनर ऑपरेट करवाया था और कुछ भी नहीं, और अभी अलहमदिल्ला काफ़ी बेटर है, और बस ऐसा है कि उसको थोड़ा अभी छोड़ दिया है उसके आलम पे, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ खाने वाने में बना किया है, क्योंकि आलम अंकल बहुत परेशान करते हैं इसलिए नहीं उसको मतलब लाइक ज़्यादा कुछ तीखा वीखा खाने मना है, क्योंकि अभी गले में गांठ है इस वजह से, गांठ है मतलब वो हुआ है इस वजह से, सॉरी पागल माय मिस्टेक, तो जी आदमी बहुत बेकार गाइस। तो बस अभी तेल वेल लगा के सो जाऊंगी, मिलती हूँ आप लोग से इंशाल्लाह कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड कीप, और हाँ 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 एंडिंग मैंने ब्लॉग की बराबर नहीं करी, वो मैं करूँगी फिर से। और एक चीज़ ये बोलनी थी कि जैसे कैरी का मैंने बोला था चटनी की रेसिपी, मुझे एकदम कैसी चाहिए मालूम है गाइस, कि मतलब मैं कैरी को पूरा छीलूं फिर उसके बाद में वो दर दर ऐसा घसते हैं ना अपन, वैसा घसू और एकदम झटपट वाली जैसे खट्टी मीठी मतलब लाइक अच्छी लगे, थोड़ी चटपटी तीखी, मुझे ऐसे चटनी जैसा कुछ चाहिए, तो उसको तू वो करेगी घिसेगी तो चटनी नहीं मतलब कुछ भी पर एकदम फटाक वाली चीज, मतलब ऐसा छीली और हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, जो समझ गए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता कि एकदम झटपट वाली चाहिए मुझे, ये मेरे को ना सॉन्ट नहीं पसंद है, फिर उसके बाद में वो अपना बच्चे लोगों को सर्दी होती है ना वो क्या रहता है कैफ अजवाइन, अजवाइन नहीं पसंद है गाइस मुझे, बहुत मैं बहुत चूज़ी हूं, तो बाहर के मसाले जो अचार आते ये आते उसमें क्या नहीं होती क्या चीजें,
बट ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे को कैसा ना, मेरे को जजमेंट नहीं होगा क्योंकि मेरा पहली बार है ना कैफ, तो कहीं मैं ज्यादा वादा ना करूँ। दीदी को पूछना था ना, दीदी मुरब्बा ज्यादा अच्छा बना था, मैं मुरब्बा नहीं खाती, मैं मीठा बीठा नहीं खाती। पहले बचपन में बहुत आदत थी, पहले हमारे इधर ना यहाँ पर चौल थी ना, तो चौल में ना कैसा ना एक अचार वाले अंकल आते थे, टोकरी के सब मीठा अचार उनका, ओ हो हो क्या टेस्टी बना, मेरा फेवरेट प्लास्टिक के डब्बे में, मेरा फेवरेट था उनका मीठा, वो जब भी दिख गए ना बस खत्म। दस दिखी नहीं थी, मैं उनके पीछे पीछे आता था छोटी चड्डी पहन के। अच्छा है, नहीं दिखा तो गाइस बस एक खत्म होता है आज का हमारा दिन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह काम आ गई है कि मेरी तबीयत सही हो गई है। हाँ बस पेट में दर्द है, तो वो मेडिसिन मैं खा ही रही हूँ पेट दर्द की फिलहाल, और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी जल्दी एक गायनक के पास। और गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड Allah Hafiz guys. Allah Hafiz.